हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे प्रॉपर्टी। सो गाइस, आज मैं हूँ लोखंडवाला यमुना नगर, जहाँ पे आज मैं आपको टूर कराने वाला हूँ 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK। वैसे तो ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आप अभी बुकिंग कर सकते हैं। सो ये काफ़ी हाई राइज टावर है, 35 स्टोरी का टावर है। पोजेशन आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। कॉन्फिग्रेशन है 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK। ये प्रोजेक्ट का स्पेशल पॉइंट ये है कि ये फ्री होल्ड लैंड पार्सल है। टोटल 1.8 एकर का लैंड पार्सल है, जिसमें स्टैंड अलोन टावर है। तो लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, सिर्फ यहाँ पे 200 रेसिडेंट्स है। सो ये एक आपको प्रीमियमनेस मिलेगा और सुपर कनेक्टिविटी है, जहाँ से आपको सुपर एमिनिटीज़ भी मिलती है। सो ऐसे प्रोजेक्ट का हमें इंतजार था लोखंडवाला में। आइए एवरीवन, मैं आपको 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK के कुछ यूनिट डिज़ाइन किए वो मैं आपको टूर कराता हूँ। लेट्स बिगिन। अभी मैं आपको फ्लोर प्लान बताऊँगा यहाँ का। तो जैसे अभी हम लॉबी सेक्शंस में, ये फर्स्ट हैबिचुअल है, थर्ड फ्लोर से वैसे फर्स्ट हैबिचुअल स्टार्ट होता है। 3 बेसमेंट है, 2 पोडियम है और ये फर्स्ट हैबिचुअल थर्ड। सो अब जैसे देख रहे हैं एलिवेशन, और जिसमें 5 एलिवेटर्स आपको मिलते हैं, 3 BHK, 4 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 3 BHK एंड 2 BHK। टोटल 6 यूनिट है, 2 स्टेयरकेस है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो मैं भी सबसे पहले आपको ये 3 BHK का यूनिट दिखाऊंगा। ये यूनिट है हमारा। स्विचेस आपको इस तरीके से बना के मिलेंगे। ये फ्लोर प्लान है, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। कार्पेट एरिया है 1141 स्क्वायर फीट का। इसमें बैल्कनी ऐड करने के बाद 4x4 की बैल्कनी है, 1185 का कार्पेट होता है। ये 3 BHK है। सो आइए मैं आपको 3 BHK का यूनिट दिखाता हूँ। इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक स्पेस मिलता है, आपकी प्राइवेसी मेंटेन होती है, सामने के साइड में कुछ भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे एक स्पेस है, यहाँ पे आप शू रैक बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देखेंगे तो शू रैक वगैरह आपको सब कुछ अच्छे से इंस्टॉल हो सकता है। सीलिंग हाइट है 10 फीट की, 10 फीट का आपको सीलिंग हाइट मिलता है। तो ये है हमारा लिविंग। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर आपको इस तरीके से छोटा एल शेप में इसको लिविंग को बनाया है। यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। तो यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा एक अच्छा स्पीशियस सा आप डाइनिंग एरिया ऐड कर सकते हैं। ये जितने भी स्विचेस आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से बना के मिलेगा। ये बिल्डर का एक्चुअल फ्लैट है, ऐसा ही डिलीवर्ड करेंगे। आइए बालकनी से भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। तो इस तरीके से 3 स्लाइडिंग विंडो के साथ में आपकी लिविंग एरिया से कनेक्ट रहेगा। ये स्लाइडिंग विंडो है, तो जहाँ से आपको इस तरीके से बालकनी मिलेगी। 44 स्क्वायर फीट की ये बालकनी है। अभी मैं फर्स्ट हैबिचुअल फ्लोर से हूँ, तो फर्स्ट हैबिचुअल फ्लोर से आपको क्या दिखता है आप सामने की साइड में देख सकते हैं। एक्चुअल यही मिलेगा आपको। ये फर्स्ट हैबिचुअल फ्लोर है, फर्स्ट हैबिटेबल फ्लोर हम जिसको बोलते हैं, पहला माला। जहाँ से ये वाला फेसिंग लेते हैं तो ये पूरा एमिनिटीज फ्लोर है। यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह डिज़ाइन है। 1 साल का पोजेशन का टाइमिंग लाइन है, तो जब तक ये सब कुछ रेडी हो जाएगा। प्रॉपर रैम्प का पार्किंग है, कोई भी स्टैक का पार्किंग नहीं है, वो रैम्प पे सीधा जाएगा बेसमेंट और 2 लेवल के पोडियम के लिए। तो ये है हमारा लोखंडवाला, जहाँ से आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा। फर्स्ट फ्लोर से भी काफ़ी अच्छा व्यू है, 35th फ्लोर से तो देख सकते हैं। वैसे 25th फ्लोर से अलाउड है, आप जाके भी देख सकते हैं अगर आपको चेक करना है तो। ये हमने लिविंग एरिया देख लिया है। इस साइड में हमारा फर्स्ट बेडरूम है। तो इसका वॉशरूम आप देखिए कितना स्पेशियस है, प्रॉपर स्क्वायर शेप में ये है। यहाँ पे आपका शावर एरिया है और टोटो की फिटिंग्स लगा के दे रहे हैं। सेम एज इट इज आपको मिलेगी ये फिटिंग्स। ये वॉशरूम में जो फिटिंग्स दिख रही है, सेम एज इट इज ऐसी बना के मिलेगी। ये आपका वॉश बेसिन, WC, शावर एरिया। तो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम, जिसे आप देख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे साइजेस मिलती है, प्लगिंग्स आपको बना के मिलेगी। ये सब कुछ डेवलपर की तरफ से। 10 फीट की सीलिंग हाइट है, यहाँ पे आपका बेडरूम अच्छे से ऐड होगा। किड्स के लिए इसको डेडिकेटेड डिज़ाइन कर सकते हैं। बाहर छज्जा भी है, बड़ा छज्जा है अच्छा। और ये जो आप विंडो देख रही है, प्रॉपर नॉइस कैंसिलेशन विंडो है। 80% तक के नॉइस को कंट्रोल करता है ये। वैसे लोखंडवाला में ज़रूरत नहीं है ऐसे विंडो की, बट फिर भी आपको ये मिलता है ताकि बाहर की नॉइस कोई भी अंदर नहीं आए। ये लिविंग सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, रियली बहुत अच्छा साइज है इसका। तो गाइस, जैसे आप किचन को यहाँ पे देख रहे हैं, किचन में भी काफ़ी अच्छी आपको साइज मिलती है। 2 प्लेटफॉर्म इस तरीके से देंगे। जो फिटिंग्स आपको दिख रही है, एज इट इज़ यही फिटिंग्स मिलेगी। बाकी आप जितनी भी आपको लगाना हो, आपका मॉड्यूलर किचन करना हो, वो आप कर सकते हैं इस तरीके से। ये आपका स्लाइडिंग होगा, एग्जॉस्ट यहाँ पे लगेगा, फिक्स अच्छी विंडो मिलेगी, ताकि आपके अगर गरम मसाले तड़कादार भी हो तो भी अच्छे से बाहर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सिंक है, ये सब कुछ आपको फिटिंग्स मिल जाएगी। आप ये कॉमन वॉशरूम दिखा सकते हैं, कॉमन वॉशरूम इस तरीके से ही मिलेगा, सेम एज इट इज़। फिटिंग्स काफ़ी अच्छी है, सारी आपको ब्रांडेड टोटो की फिटिंग्स मिलेगी, काफ़ी अच्छी फिटिंग्स है। ये शॉवर एरिया है, WC है, और यहाँ पे आपका वॉश बेसिन। तो ये भी वेंटिलेशन है वैसे तो। और यहाँ पे है हमारा सेकंड बेडरूम। ये कॉमन बेडरूम है, इसमें मास्टर बेडरूम कोई टॉयलेट मतलब वॉशरूम अटैच नहीं है। बाहर छज्जा है, एक्सटेंड कर सकते हैं वैसे तो, अगर आप बाहर से भी ग्रिल लगा सकते हैं। और इसकी फ्लोरिंग उसकी फ्लोरिंग एकदम सेम है, तो आप एक्सटेंड कर सकते हैं।
वो OC आने के बाद का पार्ट है, जब आपकी सोसाइटी बन जाएगी तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम में ये वुडन की फ्लोरिंग लगा के दे रहे, तो सेम एज इट इज़ आपको वुडन की फ्लोरिंग लगा के मिलेगी। सारे स्विचेस आपको बना के मिलेंगे और ऊपर आप काफ़ी अच्छा सीलिंग का काम कर सकते हैं। स्लाइडिंग विंडो नॉइज़ कंट्रोल करती है ये, इस तरीके से टफन आपको लगा के मिलेगा। बाहर काफ़ी अच्छा व्यू है, ये वेस्ट व्यू है, मैंग्रोव का व्यू और सी का व्यू आपको यहाँ से मिलेगा लोकनवाला में। रैम्प है, ये फर्स्ट हैबिटेबल है, फर्स्ट फ्लोर से आपको इतना अच्छा व्यू मिलता है। और ये है अटैच वॉशरूम का, मास्टर बेडरूम का अटैच वॉशरूम। अब देखिए कितना अच्छा साइज़ आपको मिलता है, फिटिंग्स काफ़ी अच्छी है, ब्रांडेड फिटिंग्स है, तो इसका साइज़ भी अच्छा है, इसकी फिटिंग्स भी अच्छी है, ये डिज़ाइंस काफ़ी अच्छा होगा। जब इंटीरियर होगा तो ये फ्लैट वाव लगेगा। तो काफ़ी अच्छा फ्लैट है ये, 3 BHK है। कारपेट मैंने आपको बताया था 1185 स्क्वायर फीट। इसका आस्किंग प्राइस है 31,000 पर स्क्वायर फीट, प्लस टैक्सेस भी हो गए और थोड़ा फ्लोर राइज भी है। अब ऊपर जाएंगे तो प्राइस इंक्रीज़ होता है। अगर आपका बजट है इसके लिए 4.5 करोड़ के अराउंड कुछ इसका ऑल इन प्राइस आता है, तो एक बार विजिट करके देखिए, लोकंडवाला में काफ़ी अच्छा फ्लैट है ये, आप डायरेक्टली यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। सो गाइस चलते हैं, मैं आपको 2 BHK का एक यूनिट दिखा देता हूँ। सो गाइस 2 BHK में 783 का कारपेट है और ये है आपका 2 BHK। ये भी स्मॉल एल शेप में बना हुआ है और बाहर छज्जा है जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है OC के बाद। ये स्लाइडिंग विंडो जहाँ से टपन भी आपको लगा के मिलेगा, सेम 10 फीट की आपको सीलिंग हाइट मिलती है। इम्पोर्टेड टाइल्स आपको यहाँ पे लगा के दिख रहे हैं। और ये आपका डाइनिंग एरिया है, सो यहाँ पे किचन है, यहाँ पे डाइनिंग है, ये लिविंग है, सिंपल स्ट्रक्चर है। अगर आप वास्तु वाले हैं तो भी आपको वास्तु के भी फ्लैट्स मिलेंगे, तो प्रॉपर वो डिज़ाइन देखकर ही बनाया हुआ है। ये है किचन, किचन में भी 2 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपका सिंक है, यहाँ पे मशीन के लिए, वहाँ पे फ्रिज के लिए, तो यहाँ पे चिमनी है, आप जैसा आपको ऐड करना है वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो स्पेशियस साइज आपको मिलता है 2 BHK में भी। स्लाइडिंग विंडो, एग्जॉस्ट के लिए जगह है और व्यू काफ़ी अच्छा है बाहर का। ये फर्स्ट हैबिटेबल, ये भी सेम है, अगर आपको व्यू देखना है तो 25th फ्लोर तक भी खुला हुआ है, आप चाहो तो वो भी देख सकते हैं। ये कॉमन वॉशरूम सेम ऐसा ही मिलेगा आपको एज इट इज़ फिटिंग्स के साथ में, अंदर शावर एरिया भी है, आप आएंगे तो आपको दिख सकता है, शावर एरिया भी काफ़ी अच्छा है। कॉमन वॉशरूम परफेक्ट साइज में बना हुआ है। फर्स्ट बेडरूम बाहर कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये टफन है, स्लाइडिंग विंडो के साथ में 10 फीट की सीलिंग हाइट है, तो यहाँ पे कोई भी इंटीरियर का काम नहीं किया हुआ है। जैसे आपकी नीड होती है वैसे आप इसको ऐड कर सकते हैं। किड्स के लिए वैसे ये कॉम्पैक्ट साइज़ है, तो यहाँ पे आपके बेड हो या जैसे भी हम बनाते हैं किड्स के लिए वैसे आप इसको बना सकते हैं, एक परफेक्ट साइज़ में आपको ये मिल जाता है। और इधर है मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम में वुडन की फ्लोरिंग यहाँ पे भी लगा के देंगे, तो ऐसा कुछ आप इंजॉय कर सकते हैं मास्टर बेडरूम को। और बाहर से ऐसा टफन ग्लास है, टफन ग्लास के बाहर ऐसे स्लाइडिंग विंडो रहेगी और बाहर आपको काफ़ी अच्छा ग्रीन व्यू मिलेगा। ये रियली लोखंड वाला थोड़ा पीसफुल व्यू देता है, मैं थोड़ा इसको खोल देता हूँ, वॉइस गूंज रही है, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया इसके लिए। तो अब देखो यहाँ से आपको क्या व्यू मिलता है, ये लोखंड वाला का आपको प्रॉपर व्यू मिलता है, यमुना नगर। यहाँ पे वैसे तो सब 7-story, 8-story की बिल्डिंग्स है, वैसे कोई हाई राइज 35-story का टावर नहीं है, तो व्यू का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 8th फ्लोर पे भी जाएंगे तो आपके सामने कोई नहीं दिखेगा आपको, आप ही आप हो, और 35th पे जाओगे तो बात ही अलग है। और ये पूरा सी साइड है तो आपको पूरा वेंटिलेशन प्रॉपर आपके घर के अंदर होगा, और ये पूरा मैंग्रोव का व्यू मिलता है। मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि 25th फ्लोर तक अभी भी अलाउड है, आप चाहो तो जाके देख सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा, आप इंटरेस्टेड हो तो आ सकते हैं। और यहाँ से आपको ये व्यू देख सकते हैं, पूरा एमिनिटीज़ का व्यू है, पोडियम फ्लोर यहाँ पे बनेगा, तो आपको बाहर का व्यू नहीं मिलेगा तो भी आपके पोडियम में काफ़ी अच्छा व्यू है। तो ये 2 BHK है, 783 का कारपेट, प्राइसिंग वही 31 से स्टार्ट होता है। और ये है मास्टर बेडरूम का अटैच वॉशरूम, वॉशरूम का साइज़ अच्छा है, वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा है, यहाँ पे भी वेंटिलेशन दिया हुआ है, बाहर सामने से कोई मतलब प्राइवेसी है, कोई देख नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मिलता है। तो ये शावर एरिया है और यहाँ पे आपका WC, और ये देखिए स्पेशियस, बाहर मन नहीं लग रहा है तो इधर आके चुपचाप बैठो मेडिटेशन करो। तो यहाँ पे स्पेस है, वो मतलब आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, आप चाहो तो वार्डरोब भी बना सकते हैं वहाँ पे, इतना अच्छा स्पेस है। तो गाइस कैसा लगा हमारा 2 BHK और 3 BHK कमेंट करके ज़रूर बताइए। 4 BHK नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो सोल्ड आउट है, वो बिक गया है, एक फ्लोर पे सिर्फ एक ही 4 BHK है, 2 BHK और 3 BHK है वैसे। तो आप अगर क्वेरीज है आप मुझे कांटेक्ट करिए,
विजिट करके देखिए, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। लो डेंसिटी प्रोजेक्ट का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे सिर्फ कुछ लिमिटेड इन्वेंट्रीज होती है, तो लिमिटेड लोग आते हैं, उस तरह की कम्युनिटी आती है, तो कुछ भी आपको परेशानी नहीं होती है उसमें। तो उसमें सारी एमिनिटीज़ भी आपको दे रहे हैं, स्विमिंग पूल जैसी सारी एमिनिटीज़ है यहाँ पे। और बड़ा लैंड पार्सल है, कोई भी फ्यूचर में मतलब वो रीडेवलपमेंट या स्लम वाला लैंड ऐसा कुछ भी नहीं है, प्योर एकदम प्योर लैंड है ये, 100 साल के बाद भी आपका ही है। तो फ्री होल्ड लैंड पार्सल है, ये इसका बेनिफिट है। वैसे लोखंड वाला और अंधेरी लोकेशन में ऐसा लैंड नहीं मिलता है। तो आइए विजिट करके देखिए, प्रोजेक्ट अच्छा है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं रहने के लिए, और ज़्यादा पीसफुल लोकेशन है ये। प्राइसिंग अच्छा है, 3 BHK आपको काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल रहा है। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं नई वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वेव प्रॉपर्टी।